अच्छा था, म्यूजिकल पार्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि क्यों नहीं देख सकती तो फिर इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. मूवी का पूरा पार्ट म्यूजिकल है, जो कि रणबीर को बोलने नहीं आता, भौंकलाता, तो पूरा म्यूजिकली उसने बोला गया. और इट्स लाइक अ हॉलीवुड मूवी एंड इट्स अ फर्स्ट टाइम, जैसे हॉलीवुड जैसी ही एक मूवी उन्होंने कोशिश, अनुराग बासु ने कोशिश की है यहाँ पे लाने की, तो इट वाज अ गुड मूवी. आई कैन सी इट वाज गुड, मतलब दोनों की केमिस्ट्री एज यूजुअल अच्छी लग रही थी, ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि उनका कुछ है. या इट इज, आई फील इट इज वेरी नाइस मूवी. स्टार्स आई विल गिव इट 4 मोस्ट प्रोबब्ली. अल्टीमेट बहुत अच्छा, अल्टीमेट ब्रिलियंट. आई हैव आफ्टर रॉक स्टार एंड दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ रणबीर कपूर. सॉन्ग्स इज अल्टीमेट. 4 स्टार आउट ऑफ 5. क्या बोल रहे हैं, जगह के बारे में? मूवी कैसी थी? अरे एकदम प्यारी है, म्यूजिकल कुछ नया किया है, बढ़िया. मेरे हिसाब से अपने सबको एक बार एंजॉय करने लायक तो है, अप्रिशिएट कर सकते हैं. फ्रैंकली कैटरीना का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट रणबीर बहुत ज़बरदस्त एज यूजुअल, एंड अनुराग बासु सर, सब बढ़िया, सब बढ़िया. ऑल इन ऑल बहुत प्यारी मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है. मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक बार तो जाके देखो. ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं 4 तो दूंगा अपने साइड से. सॉरी 4 हो गए भैया. अच्छी लगी मूवी, बट जस्ट फॉर द एक्टिंग, नॉट फॉर द एग्जीक्यूशन. स्टोरी वॉज ऑल्सो ओके, बिकॉज एनीथिंग बहुत एक्सेप्शनल कोई स्टोरी अभी आई नहीं है. इट इज़ जस्ट अबाउट द एग्जीक्यूशन. तो एक्टिंग रणबीर, नो डाउट. कैटरीना वॉज ऑल्सो गुड, एंड एवरीबडी एल्स एक्चुअली. रणबीर और कैटरीना ही एक्चुअली मेन थे, और जो रणबीर के फादर हैं, ही इज़ ऑल्सो डन अ फैंटास्टिक जॉब. ही इज़ एक्चुअली अ बेटर एक्टर आई थिंक फ्रॉम बोथ ऑफ देम. बट अच्छी थी. 3-3.5. मूवी बहुत अच्छी है. एक्टिंग वाइज रणबीर फर्स्ट ऑफ ऑल. केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड डिज्नी पे है तो उनकी बहुत अच्छी एक्ट, वो क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. हाँ बिल्कुल, सॉन्ग्स अच्छे हैं. गलती मिस्टेक एंड उल्लू के पट उल्लू वो कौन सा एक हाँ, तो एक सैड सॉन्ग भी है, वो भी बहुत अच्छा है. 3. ये फिल्म काफ़ी डिफरेंट है, और जिस तरीके से अनुराग बासु ने इस फिल्म को बनाया है, देख करके एक विजुअल ट्रीट है, और देख करके लगता है कि काफ़ी मुश्किल फिल्म है जिसे बनाने की कोशिश की गई. 3 साल लग गए फिल्म को, तो क्या वर्थ है 3 साल? 3 साल की मेहनत स्क्रीन पे दिखाई देती है, और स्टोरी थोड़ी मतलब लेंथ वाइज थोड़ी ज़्यादा है, जिसे अच्छे से एडिट किया जा सकता था, बट परफॉर्मेंस वाइज, सॉन्ग्स वाइज एंड बैकड्रॉप बैकग्राउंड का जो स्कोर है वो काफ़ी कमाल का. केमिस्ट्री कैसी लगी रणबीर का? दोनों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हैं, एकदम विजुअल है, देखने लायक बनता है. 5 में से कितना? मैं देखना चाहूँगा, और इसकी बारीकियाँ आप अगर एक भी फ्लो मिस करते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है, तो आपको बंधे रहना पड़ता है फिल्म के साथ, तो मज़ा आता है विजुअल ट्रीट के साथ. गाने बड़े अच्छे हैं, और गाते हुए भी परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है, बट रणबीर ने कमाल की परफॉर्मेंस दी. इट वॉज रियली गुड मूवी, एवरेज. या म्यूजिक वॉज गुड, लाइक सम सॉन्ग्स ऑफ द म्यूजिक वर गुड. दैट उमर है, दैट गलती से मिस्टेक सॉन्ग, एंड दैट उल्लू का बटर सॉन्ग वॉज वेरी गुड. सम सॉन्ग्स वर अमेजिंगली नाइस. वेन रणबीर वॉज टॉकिंग टू कैटरीना, दे वर सिंगिंग, लाइक सिंगिंग के साथ एक कम्युनिकेशन रखा गया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए. बट एक पूरी स्टोरी को आप पूरा म्यूजिकल करके, दे आर कनेक्टिंग ऑल ओवर थ्रू म्यूजिक, दैट इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में लोग इतने थोड़ा पचा नहीं पाते हैं, लाइक क्राउड इज बिलो द अंडरस्टैंडिंग लेवल वेयर दे आर मैचिंग अप. एक ब्यूटी एंड द बीस्ट आई थी जो कि सेम म्यूजिकल थी, वो इंडिया में थोड़ा उतना रन नहीं कर पाई. तो सिमिलरली लाइक दिस मूवी, इट वॉज वेरी गुड मूवी, लाइक काइंड ऑफ पीपल हु लव द म्यूजिक, उनके लिए अच्छी मूवी है. बट थोड़ा जो नॉर्मल क्राउड है वो काफ़ी बोर हो सकता है एंड एंड में, क्योंकि इमोशनली टच नहीं कर पाती कहीं कहीं मूवी. थोड़ा लगता है कि म्यूजिक ने, एक्स्ट्रा म्यूजिक ने कहीं कहीं स्टोरी को वीक कर दिया है. So, रणबीर और कैटरीना की केमिस्ट्री
रणबीर कैटरीना की स्टोरी और थोड़ी कम, इतना ज़्यादा कनेक्शन ही था, बट इट वॉज ओके, इट वॉज क्यूट. रणबीर वॉज क्यूट वेन ही वॉज डिक्टेटिंग लाइक सेइंग लाइन्स टू कैटरीना, बट कैटरीना वॉज ओके ओके, शी वॉज प्रिटी एज ऑलवेज. एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम मीट करती है क्योंकि 3 साल मैंने इस पिक्चर के लिए वेट किया है, उसके बाद कोई मूवी आती है और हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आते हैं इतने पावर के साथ, जोश के साथ सुबह सुबह उठ के, और थोड़ा सा मूवी कमज़ोर हो जाती है तो बुरा लगता है. अगर रेटिंग देना हो 5 में से तो मूवी काफ़ी अच्छी है, एक बार तो देखना बनता है. रणबीर कपूर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और कटरीना ने भी उस एक्टिंग को मैचअप करने की कोशिश, पूरी तरीके से कोशिश की. ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ट्राई कर रही है, यू नो, इट्स रियली नेचुरल. अनुराग बासु का डायरेक्शन, मतलब बर्फी के बाद उन्होंने इतने साल लगाए ये मूवी बनाने के लिए, तो वो परफेक्शन हमें नज़र आता है. और जो सिनेमाटोग्राफी है, ऐसी सिनेमाटोग्राफी आपने बॉलीवुड में अब तक नहीं देखी, और ऐसी स्टोरी टेलिंग जिसमें गानों के साथ मूवी बता रहा है वो भी नया है बॉलीवुड में, तो ये देखनी चाहिए मुझे. हाँ, इट वॉज या मुझे लगा कि कुछ कुछ गाने थोड़े ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे और वो बिल्कुल अप टू द मार्क थे, जितना चाहिए था उतना ही. इट्स नॉट लाइक रोमांटिक पैरअप, पूरे मूवी में वो जासूसी कर रहे हैं, पर मूवी में कुछ मोमेंट्स है जो कि काफ़ी अच्छे है उन दोनों के बीच में, तो केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा महसूस. 4.5. मुझे बहुत ही अच्छी लगी फिल्म, क्योंकि मैं इस फिल्म को फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और बहुत टाइम से मैं, क्योंकि मैं रणबीर का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उसकी कौन सी नेक्स्ट फिल्म आती है उस पर भी नज़र रखता हूँ. तो ये मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था और मुझे बहुत ही अच्छी लगी. म्यूजिकल आपको पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है. एक्चुअली हॉलीवुड में भी बनती है म्यूजिकल, कि लोग कम्युनिकेट करने के लिए म्यूजिक यूज़ करते हैं, और इसमें तो कैरेक्टर ही है रणबीर का कि वो हकला था, इसलिए इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट ही हैज़ टू सिंग, तो इसके लिए म्यूजिक इज़ अप टू द मार्क. और दिखता है कि 4 साल क्यों दिए फिल्म को अनुराग बासु ने, क्योंकि पहले से ही रणबीर और कटरीना न्यूज़ में रहते हैं, उनकी केमिस्ट्री, लव, ब्रेकअप, पैचअप जो भी है, तो केमिस्ट्री दिख के आती है स्क्रीन पे, क्योंकि पहले से भी हम लोगों को सबको पसंद है, तो इस फिल्म में भी आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आएंगी उनकी केमिस्ट्री. हाँ, बिल्कुल करती है, क्योंकि एडवेंचर है, ड्रामा है, एक्शन है, इमोशंस है, लोग रो पड़ेंगे, हंस देंगे, तो इट्स सब कुछ है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. सो आई वुड थिंक मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो पूरी निखर के आती है फिल्म. अगर 5 में से रेट करना हो, मैं दूंगा 4.5. नो प्रॉब्लम, थैंक यू गाइस. अभी बहुत जगह जासूस, हाय, वी जस्ट सॉ इट नाउ. इट्स ओके, बट पोस्ट ब्रेकअप इट्स वेरी सैड, सो डिडंट लाइक इट मच. द म्यूजिकल इज गुड, एवरीथिंग एल्स इज गुड, बट आई गिव इट लाइक 2.5 रेटिंग्स, 3 रेटिंग्स, नथिंग मोर देन दैट. नो, नॉट फॉर मी. आई हैव एक्सपेक्टेड मच मोर फ्रॉम कटरीना एंड रणबीर, बट दैट्स इट. Not at all.